लॉकडाउन में मजदूरों को सबसे ज्यादा संकट का सामना करना पड़ रहा है। काम न मिलने की वजह से बड़े शहरों से मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। 600 किलोमीटर रिक्शा चलाकर एक मजदूर अपने परिवार के साथ दिल्ली से छतरपुर पहुंचा। मजदूर ने बताया कि उसके पास ना तो देने के लिए किराया था और ना खाने के लिए पैसे, इसलिए वो अपने परिवार के साथ रिक्शे में गाँव आ गया। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है। काम बंद होने से मजदूर पैदल सैकड़ों किलोमीटर चल रहा है तो कोई साइकिल चलाकर अपने घर जा रहा है। ऐसा ही एक प्रवासी मजदूर हरपालपुर में जुगाड़ के रिक्शे को चलाते हुए पहुंचा। हरपालपुर के मवैया गांव में रहने वाले वृंदावन अहिरवार अपने परिवार के 5 अन्य सदस्यों के साथ दिल्ली में मजदूरी करता था। दिल्ली के बवाना से 600 किलोमीटर का सफर रिक्शे से तय करते हुए वो अपने घर पहुंचा। यहाँ आने के बाद उसने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मकान मालिक परेशान कर रहा था, लेकिन उनके पास मकान मालिक को देने के लिए रुपए नहीं थे। बच्चों को भोजन खिलाने के लिए घर पर दाना नहीं था, परिवार को मरता देख नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने जुगाड़ का रिक्शा तलाशा और पूरे परिवार के साथ अपने गाँव रिक्शा चलाते हुए आ गए। गाँव आने के बाद मजदूर ने दोबारा कभी दिल्ली न जाने की बात कही है। दिल्ली से आए कितने दिन में आप यहाँ पहुँचे हरपालपुर? 5 दिन। वहाँ पर काम दाम बंद था, पैसे वैसे की दिक्कत पड़ने लगी, कमरा किराए लेके मालिक हर रोज़ पैसे मांगने लग गए। फिर सोचा कि क्या करेंगे, यहाँ पर पैसा ऐसा ख़त्म हो गया था, जो था कमाया था वो बैठे बैठे खा लिया 40-45 दिन में। बस वहाँ जाओ तो थोड़े थोड़े चावल मिलते हैं, बस वही ले लो और दोनों दिन वही चावल खाओ। उम्मीद तो नहीं आगे दोबारा दिल्ली जा। किराए के लिए मकान मालिक तंग कर रहा था इसलिए भागा है। रोज पैसे के लिए कहाँ से पैसे देते, काम लगता नहीं है वहाँ पे। काम लगता था पैसे देते, हमारे कुछ खाने के लिए पैसे नहीं था, ना राशन था। कभी उठे दूर खाना मिलता था, लेने जाना पड़ता था, चावल मिलते थे खराब खाना मिलता था, सही खाना मिलता था रहते भी खराब खाना मिलता था, इसलिए भागा है। बीमार तो ना करना था बच्चों को रखे वहाँ पे, इसलिए आ गए हम लोग। आने जाने को तो दिक्कत ही दिक्कत आ रही होता, सत तक भागे और ना होता कछु आती, ना परेशानी परेशानी आती, सुबह आए हमें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।